प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर में देर रात रोको टोको अभियान में सबौर और औद्योगिक थाने में दो अपराधियों को हथियारों के साथ धर दबोचा गया। भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे रोको टोको अभियान को सफल बनाने के लिए खुद एसएसपी आशीष भारती प्रयासरत हैं। इस कड़ी में देर रात रोको टोको अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एसएसपी खुद निकल पड़े। उन्होंने स्टेशन चौक, घंटाघर, तिलका मांझी चौक के अलावा जीरो माइल थाना क्षेत्र पहुंचकर रोको टोको अभियान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नाथनगर विधायक की गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में खुद नाथनगर विधायक बैठे हुए थे। उन्होंने भी गाड़ी से उतरकर रोको टोको अभियान में गाड़ी को चेक करवाया। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि इस अभियान के समय जो भी मिले सभी को चेक करें, और उन्होंने साथ ही कहा कि भागलपुर पुलिस का रोको टोको अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार की शाम भी सबौर और औद्योगिक थाने की पुलिस ने रोको टोको अभियान में दो लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने इस अभियान की शुरुआत होने के बाद चोरी, लूटपाट सहित कई घटनाओं में कमी होने की भी बात कही है। निरीक्षण के क्रम में एसएसपी ने ततारपुर थानेदार सुबोध कुमार को सर्दी के कारण जैकेट पहनने की नसीहत दी और काम करने की सलाह दी। एसएसपी ने कहा कि रोको टोको अभियान में लगाए गए पुलिस कर्मियों के पास सीटी, लाठी, टॉर्च और प्रोटेक्शन जैकेट में रहे, यह संबंधित पुलिस पदाधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या चल रहा है सर? अब नहीं, सर्दी नहीं लगता है। सर्दी में बचाव की जरूरत है। चेकिंग चल रहा है, लगा है चार तरफ गाड़ी में। ये लाठी तुमको मिला है, जो को पैदल कस्टमर है उसको दे दीजिए। उसको जीपी से ही बात कर लीजिए, खरीदा है पहले से भी होगा स्टोर में। सीटी, टॉर्च, लाठी और प्रोविजन जैकेट। ये का इनको कटवाली को ब्लैक कटवाली का सर। पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों को और अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है, और इसी क्रम में रात्रि गश्ती को उसकी चेकिंग की जाती है, रोको टोको अभियान चलाया जाता है, खास करके जो शहरी क्षेत्र है और स्टेशन के आसपास विशेष करके, क्योंकि रात्रि में कई लोग स्टेशन से होकर के गुजरते हैं, चाहे वो ट्रेन से उतरने वाले यात्री हों या फिर कहीं भी उनको जाना हो, बस से भी जाना हो, ऑटो से जाना हो, तो गुजरते हैं। तो इसको लेकर के लगातार चलाया जाता रहा है, और लगातार जो पैदल गश्ती भी हो रही है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है,
पैदल गश्ती प्रारंभ होने से जो मार्केट एरिया है या जो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे चोरी और गृहभेदन की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, और ये जो रोको टोको अभियान चलता है उससे जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई है। खास करके जो लूटपाट की घटनाएं घटती थी, जो यात्रियों के साथ घटती थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। और वाहन चेकिंग भी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आज भी सजौर थाना क्षेत्र में और जीरो माइल थाना क्षेत्र में हथियार के साथ अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, तो लगातार जो कार्रवाई की जा रही है ताकि अपराध नियंत्रण में रह सके और अपराधी को जेल में रह सके। ये नहीं रहता, संतोषजनक नहीं रहता है, उसमें कार्रवाई की जाती है। आज भी वाहन चेकिंग के क्रम में सजौर थाना क्षेत्र में तथा जीरो माइल थाना क्षेत्र में अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लगातार भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों की कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और आमजनों से भी अपील रहेगी कि वो अपने अपने घरों के सामने, अपने प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरा कम से कम दो जरूर लगाएं, ताकि जो सड़क है उसके दोनों तरफ कवर हो सके, ताकि हम लोग को पुलिस को अपराध नियंत्रण में काफ़ी सहूलियत मिले। आपको रात्रि कर्फ्यू को लेकर क्या स्थिति है पूरे भागलपुर जिले की, मैं आपको हर रोज 3 दिनों से लगातार दिखा रहा हूँ। 11:30 बजे है रात के समय, सीनियर एस पी आशीष भारती स्टेशन और उनको दिलवा दीजिएगा, डेली दोनों में से कोई यात्री जरूर आए, डेली रहे तो दोनों अच्छा तो लगातार को इधर कीजिएगा तो कम केस होगा।